नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल कंप्यूटर पीसी। आपके साथ ये कितने बार हुआ कि आपका कंप्यूटर चलते चलते एकदम फ्रीज हो चुका है? स्क्रीन पे अगर आप माउस चला रहे हैं तो उसका कर्सर दिखाई नहीं दे रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा है। और जब आप अपने कैबिनेट की ओर देखते हैं तो वहाँ पर जो रेड लाइट है वो इतनी जल रही है जबकि ग्रीन लाइट चल रही है और पीसी फ्रीज हो चुका है। आमतौर पर मेरे साथ जब भी मेरा कंप्यूटर ऐसा हैंग हो जाता है, फ्रीज हो जाता है और मैं कैबिनेट में देखता हूँ ना, तो जो रेड लाइट है वो भी जलती है और ग्रीन लाइट वो भी जलती है। तो मेरे साथ दोस्तों ये अनोखा केस हुआ है। और जब मैंने इंटरनेट पे इस समस्या का लिखा कि भाई मेरा कंप्यूटर फ्रीज हो रहा है, तो मुझे बहुत प्रकार के सोल्यूशन मिले, लेकिन एक भी सोल्यूशन मेरे काम पर नहीं था। जैसे कि जब मैंने लिखा कि मेरा कंप्यूटर फ्रीज हो जाता है चलते चलते, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि जैसे मैं रिस्टार्ट करता हूँ अच्छी तरह चलने लगता है और फिर वापस फ्रीज हो जाता है। तो कुछ उपाय ऐसे थे कि आपने बहुत सारे ब्राउज़र ओपन कर रखे हैं या फिर आपका विंडोज करप्ट हो चुका है या वायरस आ चुके हैं, लेकिन मुझे एक भी कारण सही नहीं लगा। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर चला दें और आपका कंप्यूटर चलते चलते एकदम फ्रीज हो जाता है और आपका जो कैबिनेट है उसकी जो रेड लाइट है वो चलते चलते बंद हो जाती है, तो इसका कारण है कि जो आपका कंप्यूटर फ्रीज वगैरह हो रहा है या फिर एकदम हैंग हो गया पूरी तरह चल नहीं रहा है, तो इसका कारण है हार्डवेयर। कंप्यूटर के जो आपका कैबिनेट में सीपीयू है, सॉरी आपका जो प्रोसेसर है, आपकी रैम है, आपका ग्राफिक कार्ड है या फिर मदरबोर्ड है, किसी एक कंपोनेंट के कारण आपका जो कंप्यूटर वो फ्रिज हो रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर किस कंपोनेंट के कारण मेरा फ्रिज हो रहा था, क्योंकि कंप्यूटर में इतने सारे कंपोनेंट है, जैसे वायर है, रैम है, जीपीयू है, सीपीयू है, हार्ड ड्राइव है, एसएसडी है। तो मुझे एक्चुअल में समझ नहीं आता भाई मैं किस कंपोनेंट को चेक करूँ या फिर किस में खराबी हो सकती है। अगर मैं दुकान पर जाऊँ तो मुझे और ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो मैंने इस समस्या को कैसे सॉल्व किया वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने सोचा कि यह समस्या रैम में हो सकती है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या रैम के अंदर आई मेरे अंदर। क्योंकि देखो मैं ऐसे जगह रहता हूँ राजस्थान के अंदर जैसे भी बारिश वगैरह आई थी तो मेरा कंप्यूटर रोज मतलब बंद हो जाता था, चलता नहीं था। इसका कारण था नमी, नमी आने से कंप्यूटर बंद हो जाता था, तो नमी के कारण हो जाता है। और कभी कभी गर्मी के अंदर आपने देखा होगा कि धूल के छोटे मोटे कण आ जाते हैं, तो कंप्यूटर रैम के अंदर ही आते हैं और रैम को आपको साफ करना पड़ता है। तो मेरा कंप्यूटर फ्रिज हो गया था, तो मैंने सबसे पहले रैम को निकाला और उसको अच्छी तरह रबड़ से क्लीन किया और वापस डाला और कंप्यूटर एकदम फर्स्ट क्लास चल पड़ा। तो देखो ये जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया ना, ये इंटरनेट पर कहीं लिखा हुआ नहीं आता कि आपका जो कंप्यूटर फ्रिज हो गया वो रैम के कारण हो सकता है, लेकिन मैंने एक्चुअल में प्रैक्टिकल किया और मुझे इसका आंसर मिला। तो दोस्तों अगर आपका कंप्यूटर कभी फ्रिज हो जाए तो आपने एक सबसे पहले देख लीजिए, फॉर्मेट वगैरह करके देख लीजिए, फिर भी हैंग हो रहा है तो आप रैम को क्लीन करिए। क्योंकि ऐसे समय से आपके या तो बारिश का समय आएगा या गर्मी के अंदर जब तूफान वगैरह चलता ना, रेत वगैरह आ जाती है, तब ये समझ आती है। क्योंकि रैम पे अगर आपको कुछ भी आ जाता है, कुछ भी थोड़ी सी नमी आ जाती है या फिर थोड़ी सी बारिश की नमी का थोड़ी लेयर जम जाती है, तो कंप्यूटर एकदम फ्रीज हो जाता है। तो उसके लिए आपको रैम को क्लीन करना चाहिए, उसके बाद में आपकी ये समझे हार्डवेयर में और फिर आपके जीपीयू में होती है, लेकिन सबसे पहले आपको रैम क्लीन करना चाहिए। तो एक छोटी सी दोस्तों इंफॉर्मेशन है मैंने आपके साथ शेयर की, हो सकता है कि आपकी ये इंफॉर्मेशन ही काम आ जाए। अगर आपको कंप्यूटर संबंधी ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।